वहीं टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर जहां प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले में राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस का ये आरोप है कि पृथ्वीपुर चुनाव के चलते अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए ये दौरे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोहनगढ़ में कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, साथ ही नल जल योजना का भी शिलान्यास करेंगे और फिर मोहनगढ़ से जेरोन होते हुए पृथ्वीपुर जाएंगे जहां सभा को संबोधित करेंगे। मोहनगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को पधार रहे हैं, जहाँ पे एक यात्रा है उनकी, जिस यात्रा के दौरान वो पहले यहाँ पे लैंड करेगा उनका हेलीकॉप्टर, उसके पश्चात वो एक रैली के रूप में पृथ्वीपुर तक जाएंगे। तैयारियाँ यहाँ पे पूरा शासन के समस्त विभाग, जिला स्तर के सभी विभाग और सभी अधिकारी कार्यरत हैं तैयारियों के लिए। हमारा टेंट का यहाँ पे सभा होनी है, मोहनगढ़ में एक भव्य सभा होनी है, तो सभा की तैयारियों में हम लगे हुए हैं और लगभग 60% तैयारियां हो चुकी हैं। जिस रोड से सीएम साहब का कारपेट जाएगा और उनकी सभा जाएगी, उस रोड को पीडब्ल्यूडी ने पूरा चेक कर लिया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो समस्या है और जो क्षेत्र की डिमांड है उसको वो लोग सीएम साहब के सामने रखें और उस हिसाब से इसकी तैयारी की जा रही है। फाइनल हो जाएगा मंच में आपका रेड कारपेट पूरा दिखाओगे, आप टोटो लगाओगे, डोर होगा।